नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विलेज में वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विलेज प्लीज सब्सक्राइब इट एस बी लाइफ की एक पॉलिसी है जिसका नाम है स्मार्ट चैम्प पॉलिसी तो इसके बारे में इसका मेच्योरिटी कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर पचास हजार रुपये की सालाना किस्त जमा करता है तो उसको कितनी मेच्योरिटी मिलेगी कब मिलेगी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे ये देखिए टेबल हमने आपके लिए बनाई है जिसमें मान लेते हैं बच्चे की उम्र जीरो यानी बच्चे का अभी जन्म हुआ है चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो बॉय चाइल्ड हो यानी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो पिता की उम्र यहाँ पे मान लेते हैं पच्चीस साल है किस्त यहाँ पे जो जमा होती है देखिए सालाना पचास हजार रुपए की किस्त जमा होती है जो कि दस लाख रुपए का बीमा कवर रहता है बच्चे के पिता का बच्चा जब अठारह साल का होता है यानी अठारह साल हमें किस्त जमा करनी होगी पचास हजार पचास हजार रुपए की हर साल अगले तीन साल का वेटिंग पीरियड होता है जब 21 साल का बच्चा हो जाता है तब हमें मेच्योरिटी मिलती है वो मेच्योरिटी कितनी मिलती है चलिए आपको समझाते हैं यहां पे देखिए बोनस बारह लाख साठ हजार रुपये का टोटल बोनस मिलता है इस पॉलिसी में अगर बात करें टर्मिनल बोनस की तो तीन लाख अठहत्तर हजार रुपए का यहाँ पे टर्मिनल बोनस मिलता है प्लस बीमा जो हमारा दस लाख ,00 रुपए का था वो भी मिलता है इक्कीस साल बाद देखिए जो हमें मेच्योरिटी मिलती है दोस्तों वो छब्बीस लाख अड़तीस हजार रुपए की टोटल मेच्योरिटी मिलती है अगर हम आपको कैलकुलेट करके बताएं तो हमने 18 साल तक यहाँ पे 50 पचास हज़ार रुपये भरे और उसके बाद में अगर बात करें हम मेच्योरिटी की तो 26 लाख अड़तीस हज़ार रुपये की यहाँ पे टोटल हमें मेच्योरिटी मिली जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है अगर इसको कंपेयर करें तो लगभग ढाई गुना से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे मेचोरिटी मिलती है यानी कि 18 साल में हमारे नौ लाख रुपए जमा हुए थे जो कि हमें साढ़े छब्बीस लाख रुपए के आसपास यहाँ पे देखिए मेचोरिटी मिल जाती है एक बहुत ही अच्छी स्कीम है मान लेते हैं कि बच्चे की उम्र एक साल से भी कम है और बच्चे का जो पिता है उनकी उम्र पच्चीस साल है ये जो हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि बच्चा इसमें एक साल से लेके ग्यारह साल तक का हो सकता है प्लान इक्कीस साल के लिए होता है इसमें 18 साल हमें पैसा भरना होता है और अगले तीन साल का वेटिंग पीरियड होता है जिसमें हमें पैसा नहीं भरना होता और 21 साल बाद हमें मेचोरिटी मिलती है तो ये प्लान हमने आपको समझाया जिसमें 18 साल तक जब तक बच्चा होता है तब तक हमें किस्तें जमा करानी होती हैं फिर जब वो 21 साल का होता है तीन साल का वेटिंग पीरियड रहना होता है यानी हमें किस्तें जमा नहीं करानी होती 21 साल का जैसे हमारा बच्चा हो जाता तो हमें इसमें मेचोरिटी मिल जाती है हर साल पचास हजार रुपये की किस्त जमा करानी होगी जो कि हमें अट्ठारह साल तक करानी होगी यानी टोटल हमारे नौ लाख रुपये जमा हो गए इसमें पचास हजार रुपये हर साल अगर कैलकुलेट करें अठारह साल तक तो नौ लाख जमा हो जाएंगे जब तक हमारा बच्चा अठारह साल का होगा तब तक हमारे टोटल जो जमा होंगे पैसे वो नौ लाख रुपए जमा होंगे जो कि और अगर बात करें जब 21 साल के बच्चे की उम्र हो जाएगी तब हमारी पॉलिसी है वो मेच्योर हो जाएगी हमें जो टोटल पैसा मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा यानी 21 साल का हमारा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो जैसे 21 साल का हमारा बच्चा हो जाता है तो हमें इसमें मेच्योरिटी मिलती है और वो हमें टोटल बोनस मिलेगा वो मिलेगा बारह लाख साठ हजार रुपये का प्लस टर्मिनल बोनस की अगर हम बात करें तो वो तीन लाख अठहत्तर रुपये का टर्मिनल बोनस होगा अगर बीमा राशि हमारी बात करें तो देखिए 10 लाख का इसमें बीमा कवर था वो भी इसमें प्लस होके हमें मिलता है इन सब का जोड़ करके अगर 21 साल बाद हम देखें हमें कितना पैसा मिलेगा तो टोटल हमें 21 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो छब्बीस लाख अड़तीस हजार ट्वेंटी सिक्स लैख थर्टी एट टोटल हमें पैसा मिलेगा जो इसको हम मेच्योरिटी बोलते हैं वो मेच्योरिटी हमें 21 साल बाद मिलेगी यानी कि हमारा नौ लाख रुपए पैसा जमा हुआ लेकिन छब्बीस लाख अड़तीस हज़ार रुपए की हमें यहाँ पे मैच्योरिटी मिली एक बहुत ही अच्छी स्कीम है इस स्कीम को लेने के लिए आपको चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पे हों चाहे प्राइवेट जॉब पे हों चाहे बिजनेस मैन हों चाहे फार्मर हों आप कोई भी जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं भारत का नागरिक है वो इस पॉलिसी को ले सकता है एस लाइफ की ब्रांच में जाके अपने बच्चे के नाम पे न्यू बोर्न बेबी के नाम पे चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो बॉय चाइल्ड हो जो पॉलिसी का नाम है मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ स्मार्ट चैम्प इसका नाम है अगर बीच में देखिए जो सबसे खास बात है इस पॉलिसी की वो ये है कि अगर बीच में बच्चे के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसी टाइम पर फैमिली को दस लाख रुपये तुरंत मिल जाते हैं और पॉलिसी की सारी किस्तें माफ हो जाती हैं यानी कि दस लाख रुपए मान लो दो साल पॉलिसी को हुए हैं और किसी आकस्मिक कारण पिता की मृत्यु होगी तो दस लाख उसी टाइम पे मिल जाएंगे और उसके बाद में हमें एक भी किस्त नहीं भरनी है और लास्ट में जब बच्चा इक्कीस साल का होता है तो हमें छब्बीस लाख अड़तीस हजार रुपये अलग से मिलेंगे यानी कि मेच्योरिटी तो हमें मिलेगी ही मिलेगी लेकिन उसी टाइम पे सारी किस्तें माफ़ हो जाती हैं और जो दस लाख का जो बीमा था जो बीमा राशि थी वो हमें तुरंत मिल जाती है फैमिली को इस पॉलिसी की सबसे खास बात है जो अहम बात है वो ये है कि ये आपकी फैमिली को सिक्योर कर देगी पूरी तरह से पिता को अगर कुछ हो भी जाता है तो भी ये पॉलिसी उस टाइम पे जो बीमा राशि है दस लाख की वो तुरंत फैमिली को दे देगी किस्तें आपसे एक भी नहीं लेगी पॉलिसी चलती रहेगी जैसे ही बच्चा हमारा 21 साल का हो जाएगा तो जो मेचोरिटी हमने आपको दिखाई थी वो अलग से मिलेगी पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए या फिर पॉलिसी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं एट सिक्स जीरो सेवन सिक्स एट सिक्स फोर जीरो नाइन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद